काबरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर, यहाँ मौजूद सभी अतिथिगण, प्रिंसिपल ओझा मैडम, सभी रिस्पेक्टिव टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स और सारे प्यारे मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक काबरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वंडरफुल मॉक पार्लियामेंट सेशन. जब प्रिंसिपल मैडम ने मुझे फ़ोन करके बताया कि हम लोग आपको इनवाइट करने के लिए मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा आपको टाइम बता दीजिए बस और समय और डेट बता दीजिए, आई ट्राई टू बी देयर एंड थैंकफुली आई वाज एबल टू मेक इट. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हू आर पार्टिसिपेटिंग इन मॉक पार्लियामेंट. वेरी हार्टी कंग्रेचुलेशन एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू. आप लोग बहुत बहुत अच्छा दोनों बच्चों ने इंट्रोडक्शन दिया बहुत अच्छे से आपको, उन्होंने पार्लियामेंट के बारे में आप सब आपको बताया. यहाँ से कोई बच्ची थी जो आंसर कर रही थी, आई डोंट नो तुम लोगों का ये प्री सेट था या फिर सच में आप आंसर कर रहे थे, बट देन बहुत अच्छे से आपने पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में कितने मेंबर्स होते हैं वो बताया. उसके बाद स्पीकर महोदय सेक्रेटेरिएट भी है यहाँ पे, अपोजिशन रूलिंग बहुत अच्छा जैसे ओरिजिनल पार्लियामेंट होता है वैसे आप लोगों ने उसको फंक्शन करके दिखाने की कोशिश की है और आप पूरी तरह से सफल हुए हैं. एक जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि आप लोगों ने एकदम करंट इशूज़ फेस किए हैं. दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप किसी पुराने मुद्दे के बारे में बात कर रहे हो, आप लोग बिल्कुल रेलिवेंट हैं. मतलब पिछले वीक ही ऐसा हुआ है कि इंडिया में वुमेन की जो मैरिज की एज है उसको बढ़ा करके 21 साल करने का कैबिनेट मीटिंग का प्रस्ताव पारित हुआ है, उसको भी आपने इसमें लिया और सारे इश्यूज को आपने टच किया, स्टार्टिंग फ्रॉम वैक्सीनेशन, महिला सशक्तिकरण, देन आत्महत्या, सुसाइड का इशू था, एग्रीकल्चर का इशू था, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस इशूज को रखा है. एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द टीम ऑफ काबरा स्कूल की आपके माध्यम से बच्चों को आज के जो रेलेवेंट करंट के इश्यूज हैं उनके बारे में पता चल रहा है और इन बच्चों के माध्यम से जो खड़े ऊपर के जो यंग स्टूडेंट्स हैं स्टार्टेड फर्स्ट टू फाइव आप लोगों को भी पता चल रहा है कि हमारे देश के क्या रेलेवेंट इश्यूज हैं. और ये जानना हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है. मैं एक बात ये मानती हूँ कि आप सभी बच्चे आगे चलकर किसी भी प्रोफेशन में आप जाएं, चाहे आप इंजीनियर बने, एक बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें, या आप डॉक्टर बने, जैसे मुझे सर एक